दोस्तों बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा काफी अच्छी बहाली निकाली जा रही है यह बहाली जो होगी दस हजार एक सौ एक पदों पर होने वाली है जिसके लिए अमीन लिपिक और बंदोबस्त पदाधिकारी जैसे विभिन्न सारे पद रखे गए हैं जिसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाली गई है जिसमें आपकी सभी जानकारी को बताई गई कि ये जो बहाली होगी किस प्रकार होगी और कैसे इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि आपने हाल ही में आपने जाना होगा 22 में इसका फॉर्म आया हुआ था बिहार राजस्व विभाग का जिसमें बहुत सारे पद रखे गए थे लेकिन उस बहाली को क्या किया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया था जिसका अप्लाई प्रक्रिया 21 दिसंबर 2022 से शुरू हुई थी और इसका अंतिम तिथि 22 ग्यारह 2023 तक लिया गया था 2022 तक ही लिया गया था जिसमें बहुत सारे अभ्यार्थी ने इसके लिए आवेदन किए थे उसी बहाली को लेकर पुनः आपकी जो बहाली प्रक्रिया है इसको शुरू की जा रही है जिसको लेकर आज के ही एडिशन में जारी किया गया है राजस्व विभाग तीन माह में दस हजार पदों पर होगी नियुक्ति यानी ये जो बहाली होगी राजस्व विभाग में होगी जिसके लिए हमने आपको पहले भी क्लियर किया कि ये जो बहाली पहले ऑलरेडी आई हुई थी लेकिन उसे कैंसिल किया गया था उसी बहाली को पुनः अब जो है नए सिरे से लिया जाएगा क्योंकि उस बहाली में काफी सारी गड़बड़ी हुई थी जिस कारण से उस बहाली को हटाया गया था और उस बहाली में मेरिट बेस पे आपका सारा डिटेल बताया गया था कि होगा लेकिन इसके लिए अब आपका डिटेल एग्जाम लिया जाएगा अब इसमें क्लियर बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग में तीन माह के अंदर दस हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी बहाली के लिए जो कर्मचारी होंगे जो विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे उसके अलावा बंदोबस्त पदाधिकारी है इन्हें कार्य में लगाया जाएगा विधान परिषद में राजस्व विभाग के जो बजट पर सरकार के पक्ष से इस चीजों को रखा गया जो कि मंत्री आलोक मेहता ने इन बातों को कहा है उन्होंने कहा है कि विशेष जो सर्वेक्षण है एवं बंदोबस्त का जो कार्य है समय पर पूरा होने के लिए इसको बहाल किया जा रहा है अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य आरंभ करने के लिए 15000 पद स्वीकृत है इसके लिए 10101 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी तो आपने यहाँ पर समझा आप देखिए इसके लिए कौन कौन से पद है यहाँ पर आपको बताया गया कि आपकी जो पदों की संख्या है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के तीन होंगे विशेष सर्वेक्षण कानूनों के सात अंठावन सीटें होंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन के बिरासी सौ चौवालीस पद होंगे और जो आपकी विशेष सर्वेक्षण लिपिक है जिनके लिए सात सौ चौहत्तर सीट रखी गई है जिसके लिए आपको बताया गया है कि इन बहाली के लिए बताया गया कि ऑनलाइन टेस्ट पर सीधी बहाली होगी यानी इसके लिए ऑनलाइन आपकी टेस्ट आयोजित की जाएगी उसके आधार पर आपकी बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी अब इसके लिए बहुत सारी डिटेल है जैसे अगर मान लीजिए आप इस विभिन्न सारे पदों के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमने लिंक दिया है जहाँ पर आकर आप सारी जानकारी को देख सकते हैं कि ये जो बहाली होगी किन किन पदों पर है और इसके लिए किस प्रकार आप आवेदन करेंगे और आपकी योग्यता हम बता देते हैं कि क्या योग्यता होगी क्योंकि पुराने जो सूचना आई थी उसमें वही बहाली को पुनः निकाला जाएगा तो योग्यता आपकी वही रखी जाएगी नीचे आप आएंगे योग्यता के बारे में जानकारी आपको दी गई है और सैलरी भी आपको काफी अच्छी खास इसमें रखी गई जैसे देखिए आपका जो अमीन का ये जो बहाली होगी इसमें सिविल इंजीनियरिंग में जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं विशेष सर्वेक्षण में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस दो सालों का कार्य अनुभव जिनके पास होगा वो आवेदन कर सकते हैं अब विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी जो है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और दो वर्षों की जो है आपकी न्यूनतम कार्य अनुभव होनी चाहिए विशेष सर्वेक्षण जो लिपिक का पद है जिसके लिए आपकी स्नातक होगी तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका थोड़ा सा रखा गया हाई लेवल वाला कम से कम अगर स्नातक है तो आप लिपि के लिए अप्लाई कर पाएंगे तो इसके लिए जल्द ही इनका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा जिसमें पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी कि कब से कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे क्लियर इसमें आपको नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया कि तीन माह के अंदर यानी तीन महीने के अंदर नियुक्ति कर ली जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका जो बहाली प्रक्रिया है अगले माह से इसको शुरू कर दी जा सकती है तो हमने आपको सभी जानकारी को बताया इस बहाली के बारे में अगर किसी भी प्रकार की डाउट कन्फ्यूजन है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी को समझ लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी आपको इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा जहाँ से इसे डाउनलोड कर, कर समझिएगा और फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद